हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022 7 अक्टूबर कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिया गया है। 1 से 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 से 15 तक 2 अंक वाले प्रश्न दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 16 से 19 तक 3 अंक वाले प्रश्न है और 20 से 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये निर्देश को पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद है पहला प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो उत्तर क्या आएगा इसका? संपूर्ण। उसके बाद है अगला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा है नियोजन के तत्व है आदर्श, जटिल, व्यवहारिक, एक पक्षी। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? व्यवहारिक। नियोजन का उद्देश्य है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पूर्व अनुमान करना, संसाधनों का अनुकूलतम विवरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। पहले का होगा संपूर्ण, दूसरे में आएगा व्यवहारिक, तीसरे का होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद बात करते चौथा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन में क्या कमी है? उद्देश्य प्राप्ति को सुविधा, सुव्यवस्थित, मानवीय पहलू, स्थायित्व। तो इसमें आएगा मानवीय पहलू। नियुक्तिकरण का संबंध है लोगों को कार्यरत करने से, मशीनों को लगाने से, व्यवस्थाओं से, वित्तीय प्रबंधन से। तो ऑप्शन ए सही होगा। कर्मचारियों का चयन किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर खाली स्थान बनना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता डैश है तो एफ डब्ल्यू टेलर आ जाएगा। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक डैश भाषा में, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा में। व्यावसायिक पर्यावरण सदैव डैश रहता है, परिवर्तनशील रहता है। परिवार का गठन डैश पर्यावरण का घटक है, सामाजिक घटक है। नियोजन प्रक्रिया में डैश का मूल्यांकन किया जाता है, विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। डेविस के अनुसार संगठन मूलतः डैश का एक समूह है, व्यक्तियों का समूह है। तो पहले खाली स्थान में आएगा एफ डब्ल्यू टेलर, दूसरे में होगा फ्रांसीसी, तीसरे व्यावसायिक पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है, परिवार का गठन सामाजिक पर्यावरण का घटक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। कॉलम अ को कॉलम ब के साथ मिलान करना है। प्रबंध के जनक कौन है? आपका एफ डब्ल्यू टेलर। प्रौद्योगिक पर्यावरण कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक। राजनीतिक वातावरण देश का संविधान। प्रबंध का प्राथमिक कार्य नियोजन। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत आर्थिक पर्यावरण। अर्थव्यवस्था को मुद्रा की आपूर्ति। ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है? तो सभी जगहों पर लागू होता है। नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? उद्देश्य का निर्धारण। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निरंतर प्रक्रिया है। निर्णय लेने की शक्ति को अधिकार कहते हैं। प्रभागी ढांचे का दोष है विभिन्न प्रभागों में कोषों के आवंटन को लेकर झगड़े हो जाते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है आपका रोजगार समझौता। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? एक्सटर्नल स्रोत है, यानी कि बाह्य स्रोत है। बात करते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य की। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता एफ डब्ल्यू टेलर कहा जाता है तो सत्य आ जाएगा। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर है, गलत है। व्यावसायिक पर्यावरण सदैव गतिशील होता है तो ये सत्य है। नियोजन समय नष्ट करने की प्रक्रिया है तो ये सत्य है। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है।
तो ये असत्य है। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन कहते हैं, तो ये सत्य है। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं, इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। तो ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ली इसका भी। उसके बाद है आपका छठवां प्रश्न, व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन ऑफ व्यावसायिक एनवायरनमेंट। उसके बाद अथवा पर दिया, व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण के किन्हीं दो पहलुओं के नाम लिखिए। प्रौद्योगिक पर्यावरण के किन्हीं दो पहलुओं के नाम लिखिए। उसके बाद है आपका आठवां प्रश्न, व्यावसायिक पर्यावरण की दो विशेषताएं लिखिए। व्यावसायिक पर्यावरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। गतिशीलता और अनिश्चितता, नियोजन से क्या आशय है, प्लानिंग क्या होता है, प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बताना। नियोजन की सीमाएं, तो नियोजन से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे, तो इसको आपको याद कर लेना है। नियोजन के उद्देश्य बताना है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बजट का अर्थ लिखिए। नियोजन एक मानसिक अभ्यास क्यों है। संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। संगठन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम हैं, तो कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। उसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, रेखा संगठन क्या है या फिर क्रियात्मक संगठन क्या है, कोई एक उत्तर आपको देना है। रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन। औपचारिक संगठन के दो लाभ लिखे। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर याद कर लेना है। तो अथवा सहित आपको प्रश्नों को याद करना है। विकेंद्रीकरण का महत्व लिखिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संगठन के दो सिद्धांत लिखिए। प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय, इसकी विशेषताएं भी बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। अगर इसका भी उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। उसके बाद है व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में सामान्य और विशिष्ट वातावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है 18वां प्रश्न, नियोजन निर्णय लेने की को किस तरह सरल बनाता है, इसको बताना है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्यों है। भर्ती के आंतरिक स्रोत और या फिर बाह्य स्रोत से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही क्वेश्चन किसी न किसी रूप में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद 20वां प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ एवं गुणों का वर्णन कीजिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने लायक एक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर ले। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं लिखे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की तीन बिंदुओं को समझाइए। नियोजन की प्रक्रिया स्टेप्स क्या होते हैं, इनको बताना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, क्या नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, व्याख्या कीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये। उसके बाद 23वां है, भर्ती एवं चयन दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अथवा पर दिया गया, समस्यात्मक अध्ययन किस प्रकार प्रशिक्षण विधि है, तो इसका उत्तर आपको देना है। 23 प्रश्न पूछे गए हैं, 80 अंकों का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।